करनाल के गांव रंबा में मजदूरों में मनरेगा के कार्य को लेकर रोष व्याप्त है। मजदूरों ने कहा कि उनको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, जिससे कार्य करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने कहा कि जितना काम किया जाता है उतना ही पैसा मजदूरों को दिया जाता है, थोड़ी बहुत अगर पेमेंट रुकी हुई थी तो उसको जल्द से जल्द क्लियर कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि गांव रंबा में मनरेगा का कार्य चल रहा था, जिसमें कुछ समय से कार्य बंद होने के कारण मजदूरों में रोष देखने को मिला, परंतु अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कार्य सुचारू रूप से चलाया जाएगा और मनरेगा का जो भी पैसा है वह मजदूरों को समय पर दिया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। 50 रुपए ले रहे हैं। अरे भाई कोई वो नहीं है अपना, जिसके कोई बात नहीं, जो ले लिए वापिस हो जाएंगे, जिन लिए होंगे। अगर किसी ना हमने कहा कभी आपसे भाई, मैं हमने नहीं कभी कहा, मैंने तो जब भी थर सामने यही कहा, महा देखो लॉकडाउन में सरकार ये चाह रही थी, सुनो भाई, जिन लोगों ने मनरेगा में काम नहीं किया आप हमें उनकी लिस्ट भेजो, हम उनको फाइनेंस असिस्टेंस कुछ ना कुछ देंगे। तो किसी गांव में किसी ने कोई इनके पास गया, ये फॉर्म है बीडीओ ऑफिस से आया, आप इनको भर दो और जाके जमा करा दो, या तो कोई मेन फॉर्म करता कि यहाँ से इतने फॉर्म कलेक्ट करने हम करते। अब औरतों ने ये कह के उसी को कि आप हमारे 10 रुपये किराया ले लो और जमा करा, उसे ले लिए। अब वो बात और बात गाँव में क्यों नहीं, गाँव में इस बात को लेकर झगड़ा हो, उसमें हमारा क्या रोल है, क्या पंचायत अब आपस में अपने स्तर पर कोई ऐसा काम करे तो उसके लिए। अब किसी को जॉब कार्ड नहीं है, डुप्लीकेट चाहिए, वो ग्राम सचिव खड़े मेरे को बोल रहे हैं हम तुरंत डुप्लीकेट प्रिंट करते हैं। सर एक क्वेश्चन है, देखो अगर इन्होंने कहा कि हमारी 50 दहाड़ियां हैं, इनमें से किसी भी औरत ने कहा और इनके रजिस्टर में चाहे गलती से चढ़ गई, वो कह रहे हैं कि भाई 40 हैं, 20 दहाड़ियों का प्रूफ इनके पास क्या कि भाई मेरी 20 दहाड़ियां एक्स्ट्रा हैं, जो कार्ड ले लो भाई, कार्ड दे देंगे इनको, जॉब कार्ड नहीं, जॉब कार्ड नहीं, हमें अलग अलग से सबको कार्ड दे देंगे, शाम को जब जाए अपना क्या समस्या जी, हमने तो यही समस्या, अभी 2 महीने के पीछे नहीं आ रहे, गरीब आदमी क्या खावे हैं, चाहे कितने काम कर ले फिर भी नहीं कंधे हैं, इतनी तीन ट्राली देवा है, 2 बजे लगे 6 बजे लगे काम करते हैं, क्यों पैसे नहीं दिए जा रहे, क्या कहा गया, किसने कुछ बताया होगा, ये न्यू कहते हैं जी कम काम करा, जो लेबर ज्यादा थी उस टाइम तो ज्यादा बना था, अभी तो कम ही बनेगा, लेबर कम हो गई है, तो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे, जो इन तो बोलते हैं कहते अभी 200 ही देवेंगे, काम करना हो करो वरना घर जाओ, मैडम भी नहीं बोलते, सभी नहीं बोलते, जितने मेंबर हैं भी इतनी दिहाड़ी मिलेगी, करनी हो करो और नहीं अपने घर जाओ, पहले पूरा पैसा दिया, तो सरपंच को सामने आना चाहिए, सरपंच तो आंदे नहीं है, सरपंच ने तो कोई देख कंधे नहीं है ना, सरपंच कोई कंधा गरीब के बारे में कुछ नहीं बोलते, सरपंच तो आंदे नहीं है यहाँ, इतने तो सांप भी निकट जाए कुछ, इतनी गर्मी में काम करे सरपंच सरदार है जी, उसी घर यहाँ तो जिन्हें बोला ये भी काम करो ना करो, इतना काम करा फिर भी ना कभी नहीं कभी इतना काम करे, गरीब आदमी खावे चलाया, ये भी दिहाड़ी करी माने यही मारी आई नहीं है, गरीब करते वो करेगा भी काम तो जोड़ में कर रहे, पैसे मारे आए नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा बेबी है जी। क्या कहेंगे आज यहाँ पर काम रोक दिया गया, क्या समस्या आ रही है? ये मजदूर ने हड़ताल कर रखी है सारे जी। क्योंकि हमारे पैसे कम आ रहे हैं, 209 रुपए के हिसाब से दिहाड़ी के आ रहे हैं जी सर, पैसे हमारे और पहले 309 रुपए दिहाड़ी, अब इनके भी हमारे के पता ये डुप्लीकेट है क्या है क्या नहीं, इनका कोई सिस्टम हमारे को कुछ पता नहीं है सर, और इस पे 50-50 रुपए सारे लेबर पे से ले रखे हैं इन्होंने, है? और ये कोई तो कह रहा है ये डुप्लीकेट है, इसका कोई सिस्टम नहीं है, इसका कुछ भी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, और अब मान ले चलो जिस टाइम ये बोलते हैं अभी काम ज्यादा करा, उस टाइम तो लेबर भी तो ज्यादा थी सर, और अब कम है तो कम काम ही होएगा ना, ट्राली तो इतनी दे रहे हैं हम, जितनी ट्राली दे रहे हैं 6-6 ट्राली खड़ी कर देते हैं हम, 6-6 ही भरते हैं तो और बैठते भी नहीं हम, एक घंटे में हम 2-2, 3-3 ट्रालियां भरते हैं हम, और एक एक ग्रुप में सारे जने, और फिर उनकी तरफ भरते हैं, हाँ जी 6 की 6 भरते हैं हम, सिर्फ पानी पीने के लिए बैठते हैं सर, नहीं तो हम बैठते नहीं है, और 1 बजे जाते हैं हम घर पे, 2 बजे फिर आ जाते हैं यहाँ पे, 6 बजे तक काम करवाते हैं हमारे से, 6 बजे और लेडीज तक कसी चलाते हैं यहाँ पे, लेडीज भी चलाती हैं, जैसे आपको पैसा पूरा नहीं दिया, ये 2 महीने हो गए सर हमारे,
पहले पूरा दिया था। हाँ जी पहले पूरा आया था। अभी जो अधिकारी भी आए यहाँ पर, उनका कहना कि काम के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। क्यों काम के हिसाब से कैसे पैसे दिए गए? ये तो किसी खाते में लिखा ही नहीं हुआ है, किसी खाते में भी सर ये नहीं लिखा हुआ है, या सरकार ने नहीं बोला हुआ है कभी आपका कम काम करते हो तो कम पैसे आएंगे आपको। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, किसने बोला हुआ है ये बातें? निरग्गे में तो सारे ये सारी जगह इतने पैसे आते हैं और 1 बजे तक काम होता है, यहाँ पे हम 6 बजे तक काम करते हैं। घर के भी काम होता? हाँ जी घर का भी करते हैं हम, बच्चे भी अपने छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, घर पे काम भी करती हैं। ट्राली 6 बजे खड़ी कर देते हैं, कहते भर के जाना है नहीं तो कल से नहीं आना, ऐसे धमकी देते हैं हमारे को ये। कौन है वो जो धमकी देते? मैडम है जी। क्या नाम है मैडम? अनीता नाम है जी। गीता और नहीं काम थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन था लोगों का आपस में, वो अब समझ गए हैं और उनको समझा दिया गया है कि पैमाइश का काम है, पीस रेट का काम है और काम निरंतर चलेगा। और पिछले लगभग जून से काम चलता आ रहा है यहाँ पे 4 महीने से और आगे भी चलेगा। और सर पेमेंट को लेकर यहाँ पर कुछ समस्या आ रही थी? हाँ ये आई है कि 213 रुपये की पेमेंट आई है। अब यदि पैमाइश कम आएगी तो उसी रेशो में पैसे मिलेंगे, यदि काम बढ़ा देंगे ये लोग पैमाइश बढ़ा देंगे तो पैसा बढ़ जाएगा इनका। सर आपका नाम? परमाल सिंह, ABPO करनाल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।